नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं ई क्राइम न्यूज 24 चैनल। हम आपको हर गांव की हर शहर की खबरें दिखाते रहेंगे। कानपुर ब्रेकिंग जाजमऊ में रक्तदान शिविर का आयोजन के साथ समाज सेवा समिति ने रक्तदानों को मेडल व प्रतीक चिन्ह देकर सम्मानित किया। इंसानियत वेलफेयर सोसाइटी की तरफ से जाजमऊ की डिफेंस कॉलोनी में रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें क्षेत्र की महिलाओं ने भी रक्तदान किया और समाज को जागरूक करने का काम किया। वहीं सोसाइटी के राष्ट्रीय अध्यक्ष कुदरत उल्ला खान ने बताया, सोसाइटी के सदस्य पूरे उत्तर प्रदेश में अब तक 2200 यूनिट खून दान किए, साथ लखनऊ में लगातार किचन का काम चल रहा, जिसमें अब 8 लाख लोगों को खाना खिलाने के काम किया गया और ये काम लगातार जारी रहेगा। वहीं सोसाइटी के जिला अध्यक्ष शहबाज खान ने बताया, कानपुर से टीम के लोग ये काम जारी रखेंगे, जिसमें गरीब मजलूमों की मदद और जरूरतमंद को खून दिया जाएगा। वहीं सोसाइटी के फाउंडर राशिद जमील ने बताया, हम सबका प्रयास है पूरे भारत में ब्लड यूनिट कैंप सदस्यों द्वारा लगाकर रक्तदान किया जाए, जिससे मजबूरों की जान बचाई जा सके और इसमें सभी धर्मों से साथी रक्तदान कर रहे हिंदू में मुस्लिम और मुस्लिम में हिंदू ब्लड अपने आप में भाईचारे को जिंदा रखेगा। इस मौके पर जाजमऊ की समाज सेवा समिति के अध्यक्ष साजिद सिद्दीकी, उत्तर प्रदेश महामंत्री महफूज सिद्दीकी, संरक्षक हाजी मोहम्मदीन अली ने रक्तदाताओं को माला पहनाकर और प्रतीक चिन्ह देकर सम्मानित कर मनोबल बढ़ाया। शिविर में 40 यूनिट रक्तदान हुआ, जो IMA ब्लड बैंक को दिया गया। इस मौके पर जिला अध्यक्ष शहबाज खान, महासचिव शहाब आलम, उपाध्यक्ष चांद बाबू, वसीम चिश्ती, शाबान आलम, मोहम्मद फैज, आरिफ खान, शादाब हसन आलम, राष्ट्र अध्यक्ष कुदरत उल्ला खान जी ने भी लखनऊ से अपनी पूरी टीम को साथ में लाकर कानपुर का साथ दिया। लखनऊ से मोहम्मद जैद, मोहम्मद सलमान, मोहम्मद आदिल, मोहम्मद नुमान, हाफिज सलमान साहब व समाज सेवा समिति के अध्यक्ष साजिद सिद्दीकी, महामंत्री महफूज सिद्दीकी आदि लोग शामिल रहे। ब्यूरो